बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोटक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रोटक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रोटक के फेसबुक पेज पर जाके एस्ट्रोटक की ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं 2023 के बारे में बातें चल रही हैं और मूलांक चार की आज बात करेंगे। मूलांक चार यानी कि जिन लोगों का जन्मदिन 4 को, 13 को, 22 को या 31 को होता है किसी भी महीने की, आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। मूलांक चार वालों आपको रूल करता है राहु प्लैनेट। मूलांक चार वाले लोग जो हैं बड़े इल्यूजन्स इनके साथ रहते हैं, इनको समझना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार इनके अपने ही इनको नहीं समझ पाते, बट काफ़ी साफ दिल होते हैं, बात सीधी करते हैं, दिमाग बहुत तेज़ होता है, दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, ओरिजिनल इनके आइडियाज़ होते हैं। तो आज इनके बारे में मूलांक चार वालों के बारे में बात करेंगे। मूलांक चार वालों कैसा रहेगा 2023 का साल आपके लिए। करियर वाइज बात करें तो आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, वर्ल्ड कार्ड आया है आपका। तो ये साल आपका कोई भी अगर बाहर से रिलेटेड काम है, फॉरेन से रिलेटेड काम है, बहुत अच्छा होगा। ट्रैवल करना चाहते हैं बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। पीआर के संबंधित आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। इंडिया के बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आपका कोई भी काम जो फॉरेन से रिलेटेड है इस साल बहुत स्पीड से होने वाला है। कार्ड आया है 6 of Cups, यानी कि पुराने लोग भी इस साल आपके साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ दोबारा से शुरुआत हो सकती है, कोई ऐसे काम आपके बन सकते हैं। मूलांक चार वालों करियर वाइज आपका ये साल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नई बिगिनिंग होगी, जो काम पीछे बंद हो गए थे वो वापस शुरू हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जिनको आप जानते थे और उनके साथ कोई करियर की प्लानिंग हो सकती है। तो करियर वाइज ये साल आपका काफ़ी शानदार दिख रहा है। और अगर बात करें तो आपके लिए खासकर पहले 3 महीने और आखिरी 4 महीने साल के काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। पैसे अगर आप इस साल मेहनत करेंगे तो आपको उसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली। बात करते हैं रिश्तों की। रिलेशनशिप वाइज मैं आपको बोलूँगी, आप जितना समय अपना करियर पर लगाएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, और रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस के बिना अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आपने अपने मन की करनी है, जिसमें खुशी मिलती है वो करनी है, दूसरे से इतनी उम्मीद नहीं लगानी। जब उम्मीद नहीं लगाएंगे ना तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो रिलेशनशिप वाइज आपको कहीं अपने माइंड को खोलने की ज़रूरत है, अपनी कमियों को सुधारने की ज़रूरत है, लोगों की बात को दिल पे नहीं लगाना है, अपने आप को व्यस्त रखना है, मस्त रखना है, तो आपके रिलेशनशिप भी ठीक रहेंगे। मूलांक चार वालों आपके लिए कहते हैं ना कार्मिक, ये कार्मिक ईयर रहने वाला है, तो जो भी आप करेंगे आपको इस साल भरपूर मिलेगा। तो आपको गॉसिप में ध्यान नहीं देना है, आपको बुराई नहीं किसी चीज़ में ढूंढनी है। तो ये साल आपको जो भी जहाँ आप एनर्जी डालेंगे ना मल्टीप्लाई होके मिलने वाली है। तो अपनी एनर्जी बहुत सोच समझ के डालेगा, उन चीज़ों पर डालेगा इस साल जो आप जिंदगी में बढ़ाना चाहते हैं। तो अच्छी सोच रखेंगे अच्छा मिलेगा, और जहाँ आपने बुरी सोच रखी इस साल वो आपको पलट के मिलने वाली है। तो जितना आप अच्छी सोच में, अच्छे विचार में आप रहेंगे तो उतना ही आपको राहु भी सपोर्ट करेगा आपका प्लैनेट, और उतना ही आपका समय भी अच्छा रहेगा। तो आपको इस साल कोशिश कीजिए अपना जो समय है कहीं कोई ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी करिए। आपके लिए इस साल जो उपाय में भी जो करना चाहिए, हनुमान चालीसा आप इस साल रोज़ सुबह पढ़िए, आप देखेंगे आपका जो मनोबल कितना बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। मूलांक चार वालों तो हेल्थ वाइज मुझे आपका ये साल अच्छा दिख रहा है, कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। जून के आसपास थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये साल आपका मूलांक चार वालों आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। और आपको एक जो चीज़ करनी है, आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं बट आप उसको एग्जीक्यूट करने में कहीं रह जाते हैं, तो आपको रोज़ आपको एक कॉपी में लिखना है कि आपके दिमाग में आज क्या थॉट आया है। तो रोज़ का एक थॉट लिखिए, कुछ आइडिया दिमाग में आता है उसको लिखिए, और साल के एंड में उसको एनालाइज कीजिए कि आपने जो थॉट्स थे, जो आपके आइडियाज थे, आपने उनको कितना एग्जीक्यूट किया। ये साल अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का है, ये साल बोलने का नहीं करके दिखाने का। मूलांक चार वालों इस साल आप जितनी मेहनत करेंगे आपको सच में बहुत उसका फायदा मिलने वाला है। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बस अपने मन से जो अच्छा लगता है वो करें। इस साल कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, अपना पैशन को कहीं आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको करियर के अलावा कोई पैशन जिसमें इंटरेस्ट है, वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, उसमें भी अपना समय लगाइए। इस साल अपने पे भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, अपने पैशन पे इन्वेस्ट कीजिए, आप खुश भी रहेंगे और करियर वाइज भी आपका अच्छा रहेगा। और अगर बात करें एक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए साल कैसा है, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए भी साल अच्छा है। 6 of Wands आया है, सक्सेसफुल रहेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है जहां आपको
जब आप 100% कंफर्म हो जाएंगे तभी इन्वेस्ट करना, किसी की बातों में आके नहीं करना है। तो प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट में आपका ये साल अच्छा दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें, ये साल आपके लिए अच्छा लग रहा है, लवर्स के लिए भी ये साल लवर्स कार्ड ही लेके आया है। तो मिलांग चार वालों, आपके हर तरफ से चांदी दिख रही है, ये साल आपका काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा आपको रोज़ पढ़नी है, इससे आपका मनोबल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको इस साल क्या करना है, कहीं भी किसी को अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो आपको देनी है। और कोशिश कीजिए पूरा साल 3 ऐसे इंसान की मदद कीजिए जिनको मेडिकली हेल्थ वाइज मदद की ज़रूरत है, आपको उससे दोगुना होकर मिलेगा। ये था मिलांग चार वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल 2023। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।